प्रतापगढ़ जिले के लालगंज तहसील के अंतर्गत हर स्कूलों में ग्रामीणों ने पौधारोपण किया। इस दौरान ब्राह्मण योजना महासभा के जिला उपाध्यक्ष दिनेश मिश्रा ने कहा कि वृक्ष हमारी देश की धरोहर है और 6 माह में बचा कर रखना है। बीच से हम सभी हमारा वातावरण स्वच्छ और शुद्ध होता है और वृक्ष चाहिए हमें शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं, हवा देते हैं, इसलिए हमें पौधारोपण करना चाहिए। एक पेड़ काटे तो सब पेड़ लगाएं, ऐसी धारणा हमें रखनी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को समाज एवं देश हित के लिए तथा आने वाले भविष्य के लिए पौधारोपण करना चाहिए। प्रतापगढ़ से प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। कौन सी ग्राम सभा है? ये आप लोगों ने जो आज वृक्षारोपण किया है, क्या उद्देश्य है आप लोगों का? हमारा उद्देश्य है कि हमारा देश जो है सुख और समृद्धि को प्राप्त हो वृक्षों के माध्यम से। जिस प्रकार पेड़ों की कटाई हो रही है, एक पेड़ कटता है उसको तैयार होने में कितना वर्ष लगता है, इंसान ये नहीं सोचता, इंसान सिर्फ पेड़ को काटता हुआ चला जा रहा है। सर आप नवयुवक हैं जी, जो देश का भविष्य है वो नवयुवक के हाथों में है, और उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे पर्यावरण को लेकर? उन्हें हम ये संदेश देना चाहते हैं नवयुवकों को, वो जगह जगह पर जाएं और वृक्षारोपण करवाएं और स्वयं भी अधिक से अधिक वृक्ष जो है लगाएं। जी क्या नाम है? दिनेश कुमार मिश्रा। अच्छा, ये गांव कौन सा है? हर्षपुर। सर ये जो वृक्षारोपण आपने अभी किया है, सर लगभग कितने वृक्ष यहाँ पर अभी पौधरोपण किया है आपने, और सर क्या सोच करके, क्या मतलब मंशा रही है आपकी लगाने के पीछे? लगाने की मंशा ये है कि पर्यावरण शुद्ध हो और आने वाले स्वयं बच्चे फल फूल खाएं। आम का, नीम का, बेल का, चमेली का, बहुत सारे नीम के पेड़ लगे हैं जी, और आने वाले समय में हम लोगों जो टारगेट है जी, ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण शुद्ध करने के लिए जगह जगह हम लोग पौधारोपण करते रहेंगे जी, और उससे वातावरण भी शुद्ध होगा और आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत सारी सुविधाएं होंगी और देश के लिए, गांव के लिए, समाज के लिए एक अच्छा संदेश है। कौन कौन सा वृक्ष आपने पौधारोपण किया? पौधारोपण में अभी तो हमने बेल हो गया, चमेली हो गया, नीम का हो गया, आम का हो गया, बहुत सारे प्रजाति हैं, और जैसे जामुन का पेड़ है, पीपल का है, और बरगद का है, बहुत सारे पेड़ अभी रखे हुए हैं, उसको जल्द से जल्द लगाया जाए। सर जिस प्रकार से वृक्षों की कटाई हो रही है, लोग पर्यावरण समाप्त कर रहे हैं, कुछ लोग वृक्ष काट रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है, और जो आने वाला भविष्य है उन पीढ़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए संदेश ये है कि एक पेड़ काटना उतना अच्छा नहीं है जितना 100 पेड़ लगाना महत्वपूर्ण है। पर्यावरण बचाने के लिए, अपने खुद को बचाने के लिए, अपना जीवन अच्छे ढंग से जीने के लिए पेड़ लगाना उतना ही आवश्यक है जितना आपको जीना आवश्यक है। इसलिए हमें संदेश देना चाहते हैं समाज को कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पेड़ लगाएं और उसको सुरक्षित रखें, आने वाली पीढ़ी उसको जनरेट देखती रहे और अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए आने वाली पीढ़ी भी।